70 साल से चले आ रहा है कानून को बदल दिया गया है और आज से भारतीय संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी और कई कानूनों में बदलाव कर दिए गए हैं। इस वक्त हम इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र के चंदन नगर थाने पर खड़े हैं। अति संवेदनशील थाना है, कई तरह के अपराध यहां पर रोजाना आते हैं, लेकिन आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से जिस तरह से अपराध जो नए घटित अपराध होंगे उसमें नई धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज होंगे, जिसके कारण अब उन प्रकरणों की किस तरह से सुनवाई की जाएगी इसको लेकर अभी पुलिस किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे पा रही है। इसका कारण यह है कि जो भारतीय जो नया कानून है उसको पढ़ने और उसको समझने की जरूरत है, जिसके कारण कई जगहों पर पुलिसकर्मियों की काउंसलिंग की जा रही है और उसी के कारण आप देख सकते हो यहाँ पर कई पुलिसकर्मी उस सेमिनार में शामिल होने के लिए गए हैं। यहाँ पर शिकायतकर्ता बैठे हैं। अम्मा, क्या शिकायत लेकर आई है आप? धक्का देके गिरा दी, 4 दिन से खाने आने दे रहे हैं, मेरे छोरे को मारने दो रहे, बोले तेरा मटर करवा दूंगा। पोता बहू बोलती कि फांसी लगा दूंगा तेरा नाम ले। तो यहाँ पर थाने पर आए तो क्या शिकायत थी, क्या सुनवाई हो रही है, क्या कहना है इन लोगों का? रिक्वेस्ट क्या कहना है? निगरान बोल रहा है, कुछ कह रहे हैं शिवानी, कह रहे हैं कि इन धाराओं में बदल देंगे या नए धाराओं में बदल कुछ कितने घंटे से आप बैठे हैं यहाँ पर? अच्छा, कोई इस दौरान किसी पुलिसकर्मी से बात हुई? भैया उन्होंने क्या कहना है? उनका यहाँ पर कुछ और शिकायत करता भी हमारे साथ मौजूद है। भैया किस तरह की शिकायत लेकर आए, किस तरह की शिकायत उतार दिया, कुछ ऐसे ही मुलाकात करने आया? अच्छा, हमारे एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं है। यह आप देख सकते हो यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है। भैया मैं जो आर्थिक संविधान आ गया उसके तहत कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल श्रीमान जी, उनके तहत ही कार्रवाई होगी। ये यहाँ पर कुछ फरियादी बैठे हैं, उनका कहना है कि आधे घंटे से हमारी नहीं, बिल्कुल हो रही ना सुनवाई, बातचीत करी गई, हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने बातचीत करी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाए तो फिर कार्रवाई करो सर। अच्छा, कहाँ जाए कंप्यूटर ऑपरेटर को जाने आ रहा है? अच्छा, कोई नई विधान को देखते हुए कोई लैपटॉप या कुछ इस तरह से गैजेट दिए हैं कि इस पर आप शिकायत करो, या इस तरह से कुछ नया लैपटॉप मिला है आपको कि उसमें पूरा लिखा हो, या इस तरह से कुछ अभी तक नहीं? इसका आइडिया नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर पर। ये देख सकते हैं आप, पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। फिलहाल अभी तक इनको जो नए गैजेट्स हैं वो इनको अभी मिले नहीं है और उनका कहना है कि जो अन्य पुलिसकर्मी उन्हें जानकारी आप दे सकते हो। यह इस थाने पर अभी फिलहाल तक कई लोग शिकायत करने आ रहे हैं, लेकिन जो एक फरियादी का कहना है कि वो तकरीबन आधे घंटे से बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल चोरी की भी शिकायत लेकर कुछ फरियादी आ रहे हैं। फिलहाल ये इंदौर का चंदन नगर थाना है, लेकिन जो नया विधान है वो रात 12 बजे से उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन जो पुलिसकर्मी है अभी वो नए विधान के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उसी के कारण जो फरियादी है उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इंदौर से TV9 भारत के लिए संदीप मिश्रा।